बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल डिफरेंट, मज़ेदार और हेल्दी पराठे। आप इन्हें ट्रैवल में भी अगर लेके जाएं तो ये 3-4 दिन तक ख़राब नहीं होंगे और सुपर सॉफ्ट ही पराठे बनते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्हें बिना घी के ऐसे रोटी भी बनाना चाहें तो वो भी बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। हम ऐसे इसमें कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे, डो भी इसका हम बिना पानी के रेडी करेंगे और ऐसी रेसिपी आपने पहले नहीं देखी होगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। तो डो लगाने के लिए हमने ले लिया है, देखिए, 1 मग आटा। तो आप साइज़ देख लें मग का, और ये गेहूं का आटा हमने ले लिया जिसे हमने छान लिया था पहले अच्छे से। तो ये आटा हमने इसमें ले लिया गेहूं का, और इसमें हम 1/2 मग डालेंगे बेसन का। तो ये 1.5 मग हमने टोटल आटा ले लिया है, 1 मग गेहूं और 1/2 मग बेसन। दोनों आटे को मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा सामान डालेंगे। तो ये 1/2 बोल हमने इसमें ले ली है मलाई, जो नॉर्मल हम डेली दूध पे से उतारते हैं, तो वो ये मलाई है। अगर आप कोई हेल्थ इशू है तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। इसी क्वांटिटी में आप इसमें दही डाल दें और मलाई स्किप कर दें। तो हमने इसमें डाल दी है ये फ्रेश मलाई। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड प्याज और हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्ची हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर ली थी। अगर आप प्याज नहीं यूज़ करते हैं तो प्याज भी आप स्किप कर सकते हैं, खाली हरी मिर्च डाल दें। तो ये दोनों चीज़ें इसमें डाल दी हैं, इससे भी इसमें बहुत सॉफ्टनेस आती है। तो जैसे हम आपको साथ साथ इसके ऑप्शन बता रहे हैं कि अगर आपको मलाई यूज़ नहीं करनी है तो आप दही यूज़ कर लें। और ये देखिए, अब हमने ले लिया इसका मेन इंग्रेडिएंट और वो है मेथी। तो आज हम मेथी के पराठे बना रहे हैं। तो मेथी को हमने अच्छे से वॉश करके और रफली चॉप कर लिया था, और मेथी इसमें डाल देंगे। जैसे कि अब सर्दियों की स्टार्टिंग हो चुकी है और मेथी हेल्थ के लिए हमारे बहुत फ़ायदेमंद होती है और पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं इसके, क्रिस्पी से, मज़ेदार से। वो हमने इसमें डाल दिए। 1/2 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया है सॉल्ट मेथी के साथ साथ, और 1/2 टीस्पून इसमें हमने डाल दी है रेड चिली पाउडर। तो ये थोड़े स्पाइसी से पराठे तैयार होंगे। और सबसे अच्छी बात इन पराठों की ये होगी कि आप इन्हें ट्रैवल में भी लेके जाएं तो ये 3-4 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप लंच बॉक्स में दे दें बच्चों को, रात में आप डो रेडी कर लें और सुबह में लंच बॉक्स में दे दें, तो ये सॉफ्ट रहेंगे बहुत। मोस्टली पराठे थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, ये खाए नहीं जाते, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, बट ये टेस्ट में एज़ इट इज़ रहेंगे, बहुत ही डिलीशियस से। तो ये अच्छे से सामान इसमें मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हमें थोड़ी सी चीज़ें और डालनी हैं, तो पहले हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत आटा या बेसन कम लगे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून घी। अच्छा, घी आप कभी भी डो में अंदर डालें तो वो नुकसान नहीं देता। बाहर पराठे आप फ्राई करते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा अनहेल्दी हो सकता है, बट अंदर आप घी ज़रूर डालें, सॉफ्टनेस भी रहती है और पराठे अच्छे भी हो जाते हैं, हेल्दी भी होते हैं। तो अब हम ये डो रेडी कर रहे हैं अंदर घी डाल के। अब इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है ये 1/2 केला। आप ये यूज़ करके देखिएगा कि आपके डो का टेक्सचर कैसे चेंज होता है और पराठों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो ये पका हुआ केला ले लिया हमने 1/2। आप बासी पराठा भी ऐसे खाएंगे कि बिल्कुल वो फ्रेश रहेगा 3-4 दिन तक। तो ये हमने इसमें 1/2 केला डाल दिया है। तो ये आज हम एक सीक्रेट रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। तो इससे आप रेडी करें तो फिर आप डेली ऐसा ही डो रेडी करेंगे। तो देखिए ये बस, अब इसमें हमने सब चीज़ें डाल दी हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके और इसका हम डो रेडी कर लेंगे। तो देखिए, अच्छे से इसे गूंद लें आटे को। ये रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत आइडियल है। तो देखिए, सब चीज़ें इसमें कितनी हेल्दी और अच्छी हैं, साथ साथ ये टेस्ट में बहुत अच्छी हैं। बच्चे बड़ों सबको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। तो बस इसका अच्छे से हम डो लगा लेंगे। अच्छा, इस डो से सिर्फ पराठा नहीं, अगर आपको रोटी बनानी है तो वो भी बहुत सॉफ्ट बनती है। पराठे अक्सर हम अवॉइड करते हैं कि वेट गेन ना कर लें या कोई और हेल्थ इशू हो, तो आप इस डो से रोटी भी रेडी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट आएगी और बहुत अच्छी। आप लंच बॉक्स में भी अगर रोटी देंगे आप बच्चे को सब्ज़ी के साथ, तो उसे भी बहुत वो इन्जॉय करेगा, रोटी भी इसकी बहुत अच्छी लगती है। तो आप दोनों टाइप से बना सकते हैं, ये हेल्दी भी है और डिलीशियस भी है। अब ये देखिए, हमारा डो रेडी हो गया है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर इसके पराठे रेडी करेंगे। इसने ये सेट हो जाएगा डो अच्छे से हमारा। ये देखिए कि 15 मिनट हो गए हैं और डो बहुत अच्छे से हमारा सेट हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट डो बनता है, और आपको इसके पराठे बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाने हैं, क्योंकि ये पराठे बहुत जल्दी सिक जाते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल लो हीट पर फ्राई करेंगे। तो देखिए, अब इसके हम पहले पेड़े बना लेते हैं अच्छे से। तो थोड़े बड़े साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे, नॉर्मल साइज़ से थोड़ा थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा बनाएं। ये देखिए,
इस साइज़ के हम इसके पेड़े रेडी करके रख लेंगे। देखिए हमने पेड़े बना लिए हैं, अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बहुत सॉफ्ट हैंड से आप इसे बेलें, ये जल्दी बिल जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट डो बनी है इसकी। तो बस हम मीडियम साइज़ की इसकी एक चपाती बेल लेंगे, ये देखिए। और हमने और तवा भी हमने लो हीट पे रख दिया था, तो तवा भी हमारा रेडी है। बस अब हम इस पर ये डाल देंगे पराठा, बस इसे लो हीट पे बना लें आप, क्योंकि लो हीट पे बहुत जल्दी हो जाएगा पराठा। तो हमने इसकी हीट देखिए लो कर दी बिल्कुल, और बस अब इसे हम सेक लेंगे अच्छे से। तो एक साइड से हो गया, अब इसे दूसरे साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे। हल्के हाथ से आप इसे बस पलटें और हल्का हल्का घी लगा के इसके हम पराठे रेडी कर लेंगे। अगर आपको पराठे नहीं बनाने तो आप इस पर रोटी बना लें, इसी तरह से छोटी छोटी आप इसकी चपाती बना लें। और इसे अच्छे से एक कपड़े से प्रेस करते हुए आप इसे तवे पे ही सेक लें, तो आपकी रोटी बहुत अच्छी बन जाएंगी, वो भी इसी तरह से सॉफ्ट और अच्छी बनेंगी। तो देखिए अभी इसी तरह से हम इसमें सारे पराठे बना लेंगे, देखिए बस जल्दी से सिक जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लो हीट पे अच्छे से अंदर से सिके हुए और हमारे क्रिस्प से पराठे रेडी होते हैं, सुपर सॉफ्ट। तो ये देखिए ये सारे पराठे रेडी हो चुके हैं। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और हमारे साथ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करा करें। न्यू व्यूअर्स जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि फ्यूचर में उन्हें बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिले हमारे चैनल पे। तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारी न्यू नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं वीडियोज़ की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। इसके साथ इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करते हैं किसी और ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।